तो फ्रेंड्स, आज के इस सीएसएस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने एक डिव लिया है और इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ लिया है और इस पैराग्राफ का जो कंटेंट है उसकी वजह से ये जो डिव का जो विथ है वो 100% यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यदि आपको इस डिव की मैक्सिमम विथ यहाँ पे सेट करनी है तो उस केस में आप मैक्सिमम विथ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मैक्सिमम विथ प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू लिखी है 500 पिक्सल की। फ्रेंड्स, हम मैक्सिमम विथ प्रॉपर्टी की हेल्प से ब्राउजर को ये बताते हैं कि हमारा ये जो वेब पेज है ये किसी भी डिवाइस के अंदर ओपन हो, उसका कोई भी स्क्रीन साइज हो, लेकिन हमारा ये जो HTML एलिमेंट है उसकी जो मैक्सिमम विथ है वो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 500 पिक्सल की वैल्यू सेट की है, तो वो 500 पिक्सल से बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम जो विथ है वो उतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे ये जो वेब पेज है किसी भी डिवाइस के अंदर ओपन हो। सेम इसी तरह मिनिमम विथ प्रॉपर्टी के अंदर है, मिनिमम विथ प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ब्राउजर को ये बताते हैं कि हमारा ये जो HTML एलिमेंट है इसकी जो विथ है वो कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। मैक्सिमम कितनी होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे हमारा वेब पेज जो है किसी भी डिवाइस के अंदर ओपन हो। समझ में आ गया, चलिए इसको सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये जो डिव है इसकी जो मैक्सिमम विथ है वो 500 पिक्सल में सेट होकर आ गई है। सेम इसी तरह यहाँ पर हम मिनिमम विथ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलिए इसको सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो स्क्रीन साइज है वो बड़ी होने की वजह से यहाँ पर हमारी जो डिव की जो विथ है वो 100% डिस्प्ले हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रीन साइज यहाँ पे कम करूंगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्क्रीन की जो विथ है वो 400 पिक्सल के आसपास दी है, जबकि हमने जो डिव की जो मिनिमम विथ है वो 500 पिक्सल की सेट की है, और जिसकी वजह से हमारे इस डिव का कुछ पार्ट जो है वो स्क्रीन से आउटसाइड जा रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं इस डिव को इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो वो मूव हो रहा है, और बॉटम में आप चेक करोगे तो बॉटम में स्क्रोल बार आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इस डिव पर मिनिमम विथ प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम विथ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो हमें जरूर से बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।